नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों को लेकर अब और भी घमासान मचने वाला है। वो इसलिए कि युवा लगातार कंफ्यूज है कि आखिरकार हरियाणा की भर्तियों में क्या हो सकता है, और एजी ऑफिस से जो 4-5 दिन पहले खबर आई थी, जिसके बारे में साथियों जैसे ही खबर आई थी हमने बता दिया था कि एजी ऑफिस से खबर आ रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, और उसे अगले दिन जो एचएससी के नए चेयरमैन हिम्मत चिकनी बने हैं उनकी तरफ से भी खबर आ गई थी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली गई है। और साथियों, अब नए अपडेट क्या आए हैं वो भी आपको बताएंगे, और आगे क्या हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है ही, क्योंकि हरियाणा में भर्तियां जो सारा मसला है, जो पहले चंडीगढ़ में चलता था, अब वो मसला दिल्ली में चलने लग जाएगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं साथियों, देख लीजिएगा। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो खबर अच्छी किसको लगेगी, क्योंकि सभी युवा ये चाहते हैं कि भर्तियां किसी भी हाल में पूरी हों, लेकिन पूरी कैसे हो सकती हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उम्मीद लगी थी कि हरियाणा की भर्तियां पूरी हो सकती हैं, लेकिन फिर कोर्ट कोर्ट खेला जा रहा है। अब इसमें साथियों ये देख सकते हैं, ये डायरी नंबर है और SLP दायर हो गई है, पिटिशनर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, देख सकते हैं आप। दूसरा की बात करें तो ये भी देख लीजिए साथियों, ये सेम ही है। एक मिनट, ये देख लीजिए, जो वरुण भारद्वाज वाला केस है 5 नंबर का, सारा मसला इसी केस के ऊपर है साथियों, क्योंकि जो LPA 1037 है उसका मैटर, तो असली जो मैटर है वो तो सुना ही नहीं गया, क्योंकि 5 नंबर के कारण सब कुछ बदल गया था। 5 नंबर हटा दिए गए तो पुरानी भर्तियों के ऊपर क्या होना था ये आप समझ गए होंगे। लेकिन अब हरियाणा सरकार दोनों ही केसों को, यानी कि जो केसों की अब 31 मई को जो रिजर्व फैसला सुनाया गया था, उनको लेकर अब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब आगे की भर्तियों में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है साथियों, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब तो जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा, या फिर क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा था कि भी पहली सुनवाई के ऊपर क्या आता है उसके बाद, या मेरा मानना यह है कि अब अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही गई है, क्योंकि ना पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया करवाई जा सकती थी, लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट चले ही गए हैं तो जैसे नीट वाले जो मामले की सुनवाई लगातार चली हुई है, और ताबड़तोड़ सरकार को या फिर जो एजेंसी को NTA को आदेश दिए जा रहे हैं कि कैसे क्या प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार से हरियाणा की भर्तियों का या SSC के जो ये मामले हैं दोनों गए हैं, इन मामलों के ऊपर भी लगातार सुनवाई हो, तभी कुछ हरियाणा के युवाओं के लिए पॉजिटिव निकल सकता है। वरना तो 3 महीने बचे हुए हैं, युवा चाहता है 3 महीनों में कुछ हो जाए, क्योंकि जो बात करें सरकार या नेताओं की, किसी के ऊपर युवाओं को विश्वास नहीं रहा है। जो युवाओं को पता है कि अब तो मजबूरीवश वोट पाने के लिए ये भर्तियां कर सकते हैं, वरना फिर आगे किसी भी पार्टी की सरकार आए भर्तियां 2-3 साल तक तो कोई करने वाले नहीं है, ना इधर वाले भले हैं ना इधर वाले भले हैं, दोनों ही पक्ष युवाओं को निचोड़ना चाहते हैं, और क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं, युवा कितना परेशान है, हताश है, वो आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन अब अगर सुप्रीम, देखिए हमारी पहले भी मांग ये थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाकर हरियाणा की भर्तियों को हाई कोर्ट के आदेश पर इन भर्तियों को पूरा करवाए, और उसके बाद वो आपको 5 नंबर की लड़ाई लड़नी है, आप नई भर्तियों को लेकर लड़ते रहिए, कम से कम ये भर्तियां जो पेंडिंग है ये तो पूरी करवा दीजिए। लेकिन ये मांग थी, अब अपनी मांग मानी जाए ये तो कहां, कौन सुनवाई कर रहा है वो आपको पता ही है। लेकिन अब भी यही मांग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो लगातार सुनवाई करवाकर और जल्द से जल्द इस केस का सॉल्यूशन ढूंढिए, और आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी करिए, अगर आपकी मनसा सही है तो, वरना मनसा सही तो लग नहीं रही, क्योंकि पिछले कई सालों से क्या हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो साथियों, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, और जिसका डर था वो तो हो ही गया है, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है
उसकी क्या क्या संभावनाएं आपको लग रही है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई थी और टेलीग्राम पर तो हमने सबसे पहले शेयर कर दी थी, आप जाकर वहां देख भी सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप चाहो तो आप भी ऐड हो सकते हो और जो भी अपडेट है वो आपको तुरंत मिलते रहेंगे। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।